अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन ऑसिलेशन। दैट व्हाट इज ऑसिलेशन? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अब मतलब क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ऑसिलेटरी बॉडी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सही है? ये सिंपल पेंडुलम है, इसको बॉब है। अब इसका मेन पोजीशन है, बॉब का मेन पोजीशन, वो पोजीशन जिस पे बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो, ये इसका है मेन पोजीशन। अब लेट्स सपोज मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ फ्रॉम जीरो से ए तक। अब ये बॉडी क्या करेगी? ये डिस्प्लेस होगी ए सी बी तक। इस तरह अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द ये ऑसिलेशन करेगा। तो ऑसिलेशन मीन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया पोजीशन ए तक। अब ये दोबारा वापस आएगा बी तक, सही है? ये फर्ज की बी तक आ गया। अब बी से दोबारा ये ए तक आएगा, तो उसको हम कहते हैं वन कंप्लीट वाइब्रेशन और वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब दूसरे है हमारे पास स्टूडेंट्स पीरियडिक मोशन। डिफाइन, हाउ टू डिफाइन दिस? एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन। हर एक मोशन स्टूडेंट्स जो अपने आप को इक्वल इंटरवल में रिपीट करता हो, तो उसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि हमने बॉब को जीरो से ए तक डिस्प्लेस किया। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि उसने फर्स्ट साइकिल में, मतलब ये बॉब फर्स्ट ऑसिलेशन में डिस्टेंस का इतना टाइम लेता है, फर्ज की 1 सेकंड। लेट सपोज ये बॉब 1 ऑसिलेशन में 1 सेकंड टाइम लेता है। अभी इसका क्या हो गया टाइम पीरियड, मतलब दूसरे ऑसिलेशन में भी 1 सेकंड टाइम लेगा, इसी तरह तीसरे ऑसिलेशन में भी 1 सेकंड टाइम लेगा, तो उसको हम कहते हैं पीरियडिक मोशन। अब स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन प्रोड्यूसिंग बाय ऑसिलेटरी बॉडी इन 1 सेकंड। अब द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या? लेट सपोज मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स ये बॉब मतलब 1 सेकंड में 2 मरतबा क्या साइकिल बना रहा है, मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं 1 सेकंड में 2 मरतबा ही वाइब्रेट हो रहा है अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो उसको हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। अब लेट सपोज मैं कह दूं कि नहीं, ये 1 सेकंड में 3 मरतबा साइकिल कंप्लीट करता है, तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को स्टूडेंट्स हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। इसका दूसरा यूनिट है साइकिल पर सेकंड। अब इनके दरमियान टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन है स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू 1/T मीन इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। सिमिलरली पी इज इक्वल टू 1/F। फोर्थ नंबर पे है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड to complete one round trip, the time required to complete one round trip is called time period. अब let's suppose मैं कहता हूँ कि इसका time period है 1 सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड में एक cycle complete करता है। अब let's suppose मैं कहता हूँ कि हमारे पास दूसरे एक system है जो एक cycle complete करता है 2 सेकंड में, तो उसका फिर time period होगा 2 सेकंड। The time required to complete one round trip is called time period. वो time जिसमें एक oscillatory body अपनी cycle मतलब अपना cycle complete करता हो, तो उस time को हम कहते हैं students time period. Fifth number पे है, sorry, इसको हम measure करते हैं second में. As we know that the unit of time is second, so we measure the time period in seconds. Fifth number पे है displacement. A distance covered by oscillatory body at any instant of time is called displacement. Let's suppose मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स द बॉब इज
ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम पोजिशन जीरो टू पोजिशन दिस पॉइंट, लेट सपोज दिस पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अ डिस्टेंस कवर बाय ऑसिलेटरी बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको नोट करता हूँ, तो इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये भी डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सिक्स नंबर पे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सॉरी एम्पलीट्यूड. अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. लेट सपोज मैं कहता हूँ ये इसका स्टूडेंट्स मीन पोजीशन है, ठीक है. द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे क्या था डिस्प्लेसमेंट, मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बॉडी जीरो से ए तक उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका हो गया डिस्प्लेसमेंट. इसको हम डिनोट करते हैं एक्स्ट्रा से, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से. अब दोनों स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड इन मीटर. एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट आर मेजर्ड इन मीटर. ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.